नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर के प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर आज दूसरी बार जनपद के दौरे पर हैं। आज उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, कहीं और जगह पर वो निरीक्षण करने के लिए गए, तो मंत्री जी निरीक्षण में सारी चीज़ें ठीक मिली या कहीं कुछ कोर कसर रही? देखिए, सुधार की संभावनाएँ हमेशा होती हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने प्रायोरिटी पर उत्तर प्रदेश आगे कैसे बढ़े। हम लोग आम जनमानस की जुड़ी हुई समस्याएं, उनके जीवन से जुड़ी, चाहे चिकित्सा, शिक्षा, भोजन, आवास, इन सभी चीज़ों को प्रायोरिटी पर लेकर सिर्फ नारा नहीं, हम लोग उसे धरातल पर उतारें। इसके लिए प्रभारी मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हम लोग, चाहे वो गौ आश्रित हमारे स्थल हों, हमारे पंचायत घर हैं जो सचिवालय हैं, चाहे हमारे शिक्षा का केंद्र बेसिक शिक्षा है, सभी पर हम लोगों ने प्रयास किया। जिला अस्पताल में भी हम लोग गए हैं, सभी जगह जाकर व्यवस्थाएं ठीक रहे, किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना हो, ये प्रयास हम लोग का है। अभी हाल ही में यूपी में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, तो किस हद तक उस आयोजन को आप सफल मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक अभूतपूर्व प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश के प्रति आकर्षण सिर्फ देश ही नहीं विदेशों तक है। विश्व से जिस तरह के देशों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर आया, कई देशों के राजदूत आए, कई देशों के मंत्री यहाँ पर आए, और मैं कहने में मुझे आज ये फख्र, इस बात के लिए मुझे हर्ष है कि आज उत्तर प्रदेश पहली पसंद देश और विश्व की बना है। वेस्ट यूपी में और खासतौर पर मुजफ्फरनगर में इस इन्वेस्टर समिट के हिस्से में क्या है? देखिए, यदि मैं वेस्ट यूपी की बात कर रही हूँ, तो लगभग 40% कुल का 40% सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, और यदि मैं सिर्फ मुजफ्फरनगर की बात करूँ तो 450 करोड़ का लक्ष्य रखा था, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि 1742 करोड़ MOU यहाँ पर साइन हुए हैं, जो 36 हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके द्वारा किए गए। अच्छा, एक बड़ी आस किसानों की थी योगी सरकार से गन्ने के भाव को लेकर, लेकिन एक रुपया भी गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, किसान निराश है। देखिए, सरकार की प्राथमिकता पर किसान हैं, और हमेशा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जब भी कोई बात की है तो उसमें किसानों का जिक्र किया है। हम लोग समय से गन्ने का भुगतान हो, ये प्रयास 2017 के बाद सरकार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में पुराने सत्र की मैं बात करूं तो लगभग 97% भुगतान हम लोगों ने किया है, इस बार भी तेजी के साथ भुगतान कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सही माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से प्राथमिकता पर किसानों को लेकर चल रहे हैं, हम भुगतान और अन्य विकल्प लेकर गन्ने के साथ साथ चीनी सिर्फ उत्पादन नहीं, इसके अलावा इथेनॉल से लेकर अन्य व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं, और प्राथमिकता पर किसान को लेकर आगे भी सरकार निर्णय लेगी। एक बड़ा विषय आपके विभाग को लेकर चल रहा है कि आपके विभाग के कर्मचारी मीटर लगाने जाते हैं, किसान विरोध पर उतर जाते हैं, तो ये एक सामंजस्य की स्थिति क्यों नहीं बन पा रही है, बार बार क्यों ये टकराव के हालात बन रहे हैं? देखिए, हम लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कि विभाग के अधिकारी के द्वारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर ये बताया जाए कि मीटर से कहीं बिजली के बिल का कंसर्न नहीं है, मीटर लगाने से बिजली के बिल पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मीटर के अनुसार कहीं कोई बिल नहीं आया होगा, सिर्फ लोग भ्रमित करके इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, और मेरा प्रयास यही है कि हम लोग लोगों को अवेयर करें, और वही प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में तो ऐसी स्थितियां कई बार बन चुकी है कि लोगों ने मीटर लगवाए, उसके बाद वो आप बिजली विभाग के दफ्तर में उन मीटरों को लेकर गए, कई बार भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को ऐसी स्थिति का सामना पड़ा कि करना पड़ा सॉरी कि उनके सामने वो मीटर लोगों ने रखे, इनको आप वापस लेकर जाइए। मैंने कहा, देखिए, सरकार जिस मंशा के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, हमारा प्रयास यही है कि 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश के सभी जनमानस को मिले, किसानों के लिए भी जो 10 घंटे बिजली हम लोग सिर्फ सिंचाई के लिए दे रहे हैं, प्रयास ये है कि एक व्यवस्था अच्छी बने, और उस व्यवस्था के तहत ही सरकार पॉलिसी लेकर आई है। तो ये थे प्रदेश सरकार के मंत्री सोमेंद्र तोमर जी, जिनका कहना है कि किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील है। कितनी संवेदनशील है इसका आकलन आप खुद भी कर सकते हैं।